हाथों में देना चाहिए, आप लोगों के हाथों में रोजगार मिलना चाहिए, तो रोड पर तलवार भरवाएगा, तलवार भरवाने का काम करेगा। जो तो लड़का 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, जो तो लड़का मेडिकल या फिजिकल में पास हो गया था। आप लोग सब लोग जानते ही हैं ईश्वरीय कप्तान यादव जी को कई दिनों से वीरेंद्र मुखिया जी लगातार प्रयास कर रहे थे, समय मांग रहे थे कि मूर्ति का अनावरण किया जाए और हमारे पिता आदरणीय लालू जी की भी इच्छा रही कि जा करके जल्द से जल्द मूर्ति का अनावरण कर दो। तो आज की तिथि तय हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि आने का मौका मिला, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला और खक्कर राय जी पार्टी के नेता रहे, एक मजबूत सिपाही रहे, हमारे पिता के संघर्ष के साथी रहे और जब वैशाली में प्रशिक्षण शिविर पूरे पार्टी का चल रहा था तो जितना सब्जी जो था पक्का राय जी जो है पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचाने का काम करते हैं। तरह तरह की सब्जियां जो है पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अपने ओर से समर्पित किया, लेकिन एक समाजवादी नेता है, सामाजिक न्याय के विकास करने वाले लोग और हमें खुशी है कि आज का अवसर हमको मिला कि उनकी मूर्ति का अनावरण भी करें और साथ ही साथ आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। इससे पूर्व में चुनाव प्रचार में हम गरौल भी आकर के चुनाव प्रचार किए थे 19 वाले लोकसभा चुनाव में, लेकिन आप सब लोगों के बीच दोबारा आकर के बड़ी खुशी हो रही है हर छोड़ा और यहां बुजुर्ग के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या जो है नौजवानों की है। हम बस इतना ही कहेंगे कि जो 2020 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया प्यार दिया, लगभग सरकार तो आप लोगों ने बना ही दिया था, ये तो चोर दरवाजे की सरकार है, दो पांच चीज बैमानी करके घर सदर कर लिया, लेकिन आप लोगों ने जो वोट दिया था वो बेरोजगारी हटाने के नाम पे दिया, हमें जो वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कैबिनेट में अगर मेरा पहला कदम अगर चलेगा तो 10 लाख नौजवानों का काम। आप लोगों ने तेजस्वी को वोट नहीं बल्कि मुद्दे पर वोट किया था, मुद्दा क्या था, पढ़ाई दवाई सेवाएं सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर आप लोगों ने वोट देने का काम किया। आज देखिए नौजवान बेरोजगार है, गरीब गरीब होता था, अमीर अमीर होता था, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा चौपट हो गया, किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है, बिहार से पलायन जानी है, कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही, किसी की कार्रवाई नहीं हो रही, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है बदहाल हो चुका है, पूरी तरीके से अफसर साहिब पूरे बिहार में छाए हुए हैं और आप देख सकते हो कितना भ्रष्टाचार है, थाना चले जाइए ब्लॉक चले जाइए हर चीज में बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए कई राष्ट्रीय जनता दल को दबाने की कोशिश की, बीजेपी वाला मुद्दे से आदमी पार्टी के विधायक को ले आया,
पहली बार ऐसा हुआ था कोई विपक्ष में जाकर के विधायक करता था। सत्ता में लोग जाते थे विलय करते थे ताकि मंत्री बन जाए या कुछ हो जाए, लेकिन 17 साल बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े और वो जुड़े तो विचार धारा पर जुड़े, लालू जी के नेतृत्व में जुड़े और फिर से हम लोग जो है सोशल राज्य पार्टी राष्ट्रीय करें हम लोग लड़ते रहेंगे। और अभी भी जो मसला है कई नौजवान जो सिपाही का तैयारी आर्मी में जाने का जो तैयारी करते हैं, अग्निवीर अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने लाया है इसका हम लोग निंदा करते हैं और पूरी तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर निर्दोष तरीके से विरोध करते हैं। भविष्य का सेवा है, आप बताइए अब ठेका प्रकाश चालू हो गया आदमी ठेका पर जो है हम नियुक्ति होगी, जो लड़का 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, जो लड़का मेडिकल या फिजिकल में पास हो गया था दो 2.5 साल से आने का नियुक्ति नहीं निकला, लोग परेशान थे कोरोना का और ऐसा खबर आया जिससे कैसे भी लोग आदमी पास हो गया था उसको फिर से दोबारा अगले पद के जरिए करना पड़े अब करेगा भी तो 40 साल बाद 4 साल के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई करेगा कब नौकरी करेगा और भाजपा वाला झूठा है कि 4 साल बाद आकर के भाजपा कार्यालय में आएगा तो उसको चौकीदार के नाम देंगे। भाजपा युवा विरोधी सरकार है, आज मुद्दे पे बात नहीं करी, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा करा करके सत्ता में आने का काम करती है। हम लोगों से कभी हो जाता है कि हम लोग धर्म के नाम पे जात के नाम पे आपस में लड़ करके जो है भाजपा को सत्ता में ले आते हैं, सही मुद्दे पे बात नहीं करते, सही मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आज बोले इतना महंगाई है कहां से घर चलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल इलाज दवाई नहीं है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है, बिहार बाढ़ और सुखाड़ से परेशान रहता है, प्लान कर रहा है, तो इसलिए आप सब लोग कुछ यही अपील करेंगे कि चाहे कोई जात के हो कोई धर्म के हो सब लोग एक वोट बंद रहिए और मुद्दे की राजनीति कीजिए, मुद्दे पर वोट देने का काम कीजिए, जो आपके भविष्य को बेहतर बनाना चाहता हो ये लोग आपस में लड़वाएगा, नुकसान किसका को मारा जाता है युवा युवा पर तलवार बांटने का काम कर रहा है, देना चाहिए आप लोगों के हाथों में रोजगार मिलना चाहिए, तो रोड पर तलवार बंटवाएगा तलवार भरवाने का काम करेगा। अपने बेटे को खोएगी, नौजवान अपने जान को गवाएगा, जो दंगा में फंसेगा वो जेल जाएगा, उस पर मुकदमा होगा, उसका भविष्य खराब होगा, ये लोग आप लोग भविष्य खराब करना चाहते हैं। ये सरकार आप लोगों की सरकार नहीं, केवल चंद लोगों की है, जो चंद पूंजीपति जो लोग हैं देश के जो 10-12 लोग ये केवल उनकी सरकार है, ये उनके बारे में सोचते हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारा देश का संपत्ति बेच दिया, फिर बीच में कृषि कानून ले आया तो किसानों ने आंदोलन किया, मैं तो पूरा किसानों का जो खेत कल्याण है सब आदमी वाले को भेज देता। हम जो है आर्मी में सेना में बहुत अच्छे प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं आप लोग मजबूत रहिए गुलबंद रहिए और आपकी लड़ाई को हम लोग आगे लड़ने का काम करेंगे। और ज्यादा कुछ हम कहते हुए खखर यादव जी के
चरणों पर श्रद्धा कुसुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके बेटे मुखिया प्रियदर्श जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रयास से सभी यहाँ नेता सब लोग हैं, वैशाली के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं लोग यहाँ। हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं आप लोग पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, पार्टी के सदस्यता अभियान में आप लोग सब लोग सक्रिय हो करके पार्टी को मजबूत कीजिए और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम कीजिए। आप लोग जान रहे एक पर्ची बैठता है तो 10 रुपये लेता है, लेकिन ये ध्यान जुटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये जन जुटाओ कार्यक्रम है। सब लोगों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, सभी लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं ताकि हम लोगों के हाथ को आप लोग मजबूत करें। रीतन शब्दों के साथ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।